मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम मिश्रा आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे और उस नए चैप्टर का नाम हमारा अल्टरनेटिंग करेंट है। ये अल्टरनेटिंग करेंट, डायरेक्ट करेंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज, इसका कॉन्सेप्ट हम समझें। तो आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। आज हम शुरुआत करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक बच्चों, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट से पहले हम दो चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर वर्ड अल्टरनेट आ रहा है। अल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, तो इस सीढ़ी से इस सीढ़ी चढ़ेगा, तो क्या वो अल्टरनेट चढ़ रहा है? तो अल्टरनेट जब चढ़ रहा है तो अल्टरनेट चढ़ने पर उसकी क्या चेंज हो रही है? सीढ़ी चेंज हो रही है। उसी जगह पे अगर हम बात करें डायरेक्ट की, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक हमें डायरेक्ट पहुंचना है, तो हम तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे और स्ट्रेट लाइन मोशन करने पे हम डायरेक्ट जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। इन चीज़ को समझने के लिए आइए हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर करंट में और वोल्टेज में बच्चों चेंज हो रहा है तो इस करंट को बोलेंगे अल्टरनेटिंग। इसको शॉर्ट में हम लोग एसी भी लिखते हैं और इसको शॉर्ट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है सर्किट में, वो जनरली सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ध्यान से समझिएगा, इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है और इसमें चेंज इन करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्योंकि ये हमारी करंट होती है और ये करंट हमारी चेंज होती है, तो चेंज होने के कारण इसका जो वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर सकता है। दूसरा, इसकी करंट चेंज होती है, मतलब करंट यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकती है। इसी दोनों फायदे के हिसाब से हम इसका अपने घरों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, हाउस में, इंडस्ट्री में, हर जगह इसका हम यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट में दो चीज़ आप याद रखिएगा, चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट आर अल्टरनेटिंग करंट आर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डिनोटेड बाई शॉर्ट टर्म एसी एंड द सिंबल ऑफ एसी इज दिस। अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट की बात करने पर डायरेक्ट करंट का मतलब होता है करंट जो है वो कांस्टेंट है। क्या हो करंट हमारी बच्चों कांस्टेंट होगी। और अगर करंट हमारी कांस्टेंट है तो ऐसी करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो करंट होता है वो हर समय क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब जैसे मान लीजिए टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पर हमारी करंट मान लीजिए 30 एम्पियर है और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पर हमारी करंट कितनी आ गई, 40 एम्पियर आ गई। तो ये डायरेक्ट करंट नहीं है, फिर ये अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर हमारी करंट जो है 30 एम्पियर ही है, तो ऐसी करंट को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट करंट बोल सकते हैं। तो इसको शॉर्ट टर्म में एसी बोलते हैं और इसको शॉर्ट टर्म में डीसी बोलते हैं। डीसी का अगर आप सिंबल देखें तो डीसी का सिंबल सेम बैटरी की तरह होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सर्किट में, जब कभी सर्किट होता है इस टाइप का और उसमें रेजिस्टेंस लगा होता है और यहाँ पर मान लीजिए की लगी होती है, तो यहाँ पर जो बैटरी लगी होती है, ये बड़ा टर्मिनल जो होता है उसका वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा टर्मिनल होता है वो उसका निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस साइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इस साइन को हम निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। क्योंकि बैटरी क्या होती है, बैटरी जो होती है वो कहीं ना कहीं करंट को स्टोर करती है। क्या करती है, करंट को स्टोर करती है। तो करंट को स्टोर करती है और करंट को मैक्सिमम अमाउंट में करंट को स्टोर करेगी। तो इसी कारण
बैटरी जो होती है या जो सेल होता है उसका ये जो साइन होता है, ये साइन डीसी का माना जाता है। किसका माना जाता है? डायरेक्ट करंट का माना जाता है। तो एसी का जो सिंबल होता है वो आप कुछ ऐसे बनाएंगे और डीसी का जो सिंबल होगा वो आप कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कुछ इसके रिलेटेड टर्म देखते हैं कि हमारे घरों में बिजली जो आती है वो किस करंट से आती है। एसी करंट से आती है या डायरेक्ट करंट से आती है? एक्चुअली में आपने कभी नाम सुना होगा, एक नाम है जिसका नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर आपने नाम सुना होगा। और इस एसी जनरेटर को डिस्कवरी की है हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसी जनरेटर का क्या किया है, डिस्कवरी की। एसी जनरेटर की डिस्कवरी बच्चों किसने की है? निकोला टेस्ला ने। एसी जनरेटर क्या करता है? एसी जनरेटर पूरी तरीके से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको मैं बता दूं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है उसका अपोज कौन करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है। तो ये फैराडेज लॉ का वीडियो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। यहां पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने बताया था। अब क्या होता है कि एसी जनरेटर में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, और इसी के थ्रू इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की सहायता से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसी के कम्बिनेशन से हम क्या करते हैं? उसी के कम्बिनेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी घरों तक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कैसे होती है इसका एक अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं और एसी जनरेटर का इसमें क्या काम होता है। आइए हम एक बात करते हैं कि असल में एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में, करंट का और वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, उसका वेव फॉर्म क्या होता है, उसका किस तरीके से वो चलता है, उसका क्या फॉर्म है। तो देखिए, एसी करंट जो होता है, एसी करंट दो तरीके का होता है। पहला साइनोसॉइडल एसी करंट, और दूसरा होता है नॉन साइनोसॉइडल एसी करंट। मतलब एसी दो टाइप के होते हैं, या तो साइनोसॉइडल या तो नॉन साइनोसॉइडल। अब साइनोसॉइडल का होता है जब एसी करंट या एसी वोल्टेज साइन फंक्शन को या कॉस फंक्शन को डील करता है, तो उसे हम साइनोसॉइडल एसी बोलते हैं या साइनोसॉइडल एवी बोलते हैं। एवी का मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। और जब हमारा फंक्शन स्क्वायर का होता है या ट्रायंगल का होता है, मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा वो या तो स्क्वायर का बनेगा या ट्रायंगल का बनेगा, तो उसे हम नॉन साइनोसॉइडल बोलेंगे। और अगर साइनोसॉइडल है तो उसमें साइन का कर्व बनेगा और कॉस का कर्व बनेगा, या साइन फंक्शन का वेव बनेगा या कॉस फंक्शन का वेव बनेगा। अब ये कैसे होता है जरा इसको देखिएगा। इतना याद रखिए कि ग्राफ अगर आप ये समझ गए तो ग्राफ से आप पूरे का पूरा एसी का पूरा आप चैप्टर समझ जाएंगे। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम साइनोसॉइडल और यहां पर बनाते हैं हम नॉन साइनोसॉइडल। चलिए यहां पर हम एक वाई एक्सिस बनाते हैं और यहां पर भी एक वाई एक्सिस बनाते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस बनाते हैं, यहां पर एक्स एक्सिस बनाते हैं। यहां पर टाइम को वैरी कराते हैं और यहां पर वोल्टेज और करंट को वैरी, यहां पर भी वोल्टेज और करंट को वैरी कराते हैं, यहां पर टाइम को वैरी कराते हैं। अगर हम बात करें नॉन साइनोसॉइडल की, तो सबसे पहले साइनोसॉइडल की बात करते हैं। साइनोसॉइडल में जो साइन कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार। और जो नॉन साइनोसॉइडल होता है, नॉन साइनोसॉइडल में अगर बात करें साइनोसॉइडल में, तो साइनोसॉइडल में क्या होता है, इस ओ पॉइंट से साइन का कर्व होता है, और इसको हम लोग साइन ओमेगा टी का कर्व बोल सकते हैं। ये और अगर कॉस का बताएं तो कॉस का इसके क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा,
उसी तरीके से अगर नॉन साइनोसाइडल का बोले तो या तो ये सर्कुलर में या तो ये रेक्टेंगुलर में चलेगा, यानी मतलब स्क्वायर में चलेगा, और या तो फिर ये ट्रायंगुलर में चलेगा। तो ये दो तरीके का फंक्शन मैंने, दो तरीके का मैंने ग्राफ बनाया आपके सामने, एक साइनोसाइडल बनाया और एक नॉन साइनोसाइडल बनाया। अब ये ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं, ये ग्राफ हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब इलेक्ट्रिसिटी एरिया पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एरिया में अल्टरनेटिंग करंट में ये ग्राफ के ही सहायता से हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी क्या डील कर रही है और कैसा करंट चेंज हो रहा है, कैसा वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो आपको अब हम जो बताते हैं वो नई इक्वेशन बताते हैं, और हम साइनोसॉइडल की बात करेंगे, नॉन साइनोसॉइडल की बात नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में साइनोसॉइडल के बारे में डिटेल में दिया गया, इवन कि आप कंपटीशन में भी कहीं जाएंगे तो आपको साइनोसॉइडल के बारे में ही देखने को मिलेगा। और हर तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा आपको कहीं ना कहीं साइन और कॉस का ही कर्व देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप जानिए कि साइनोसॉइडल का जब हम इक्वेशन बनाएंगे, साइनोसॉइडल का जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो साइनोसॉइडल का इक्वेशन बनाने पर आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। मैंने कहा था कि साइनोसॉइडल में दो इक्वेशन होंगी, या तो वो साइन कर्व में चल रही होंगी या तो वो कॉस कर्व में चल रही होंगी, और आपको दोनों दिख रहा होगा कि दोनों के दोनों जो हैं वो साइन और कर्व और कॉस कर्व दोनों के दोनों हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करेंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जहां पर आई को हम बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस करेंट, इंस्टेंटेनियस करेंट, और आई नॉट को हम बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। आई को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और आई नॉट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज। इसको हम एम्पलीट्यूड करंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड करंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, इसको हम लोग पीक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं, मतलब पीक करंट या पीक वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिनोट किससे किया जाता है, आई नॉट से, और वोल्टेज किससे डिनोट किया जाता है, वी नॉट। अब ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट और ये क्या होता है आई नॉट वी नॉट, इसको समझते हैं। आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ की सहायता से हम बड़े आसानी से समझ लेंगे कि ये दोनों इक्वेशन किस तरीके से डील कर रहे हैं। देखिए, एक तरीका हम निकालते हैं इसको समझने का, और उस तरीके में हम पहले ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ में हम इस जगह पर टाइम को लेते हैं और इस जगह पे हम करंट को लेते हैं या वोल्टेज को लेते हैं। चलिए, हमने कुछ ये ग्राफ बना दिया मैंने करंट, और उसी से मिलता जुलता एक थोड़ा सा हमने भी ग्राफ बनाया है किसका, वोल्टेज का। बच्चों, ठीक, ये है हमारा करंट का और ये है हमारा वोल्टेज का। इस लाइन को थोड़ा और आगे, ये दोनों डिनोट कर रहा है साइन कर्व को, और साइन कर्व की जो इक्वेशन होती है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों, अब देखिएगा ग्राफ यहां से चालू हुआ है तो इस पॉइंट पे कोई करंट होगी, मतलब ये टाइम का ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम का ग्राफ है और वाई एक्सिस पे किसका ग्राफ है, वी का और आई का। तो मान लीजिए t इज इक्वल टू जीरो पे i क्या है, जीरो, भी जीरो, थोड़ा सा टाइम वन बढ़ा तो करंट कुछ हुई, मतलब यहां पर करंट कुछ हुई, वोल्टेज कुछ हुई, फिर बढ़ा तो यहां पर वोल्टेज कुछ हुई, करंट कुछ हुई,
लेकिन आप देखिए मैक्सिमम वैल्यूज की कहां मुझे दिख रही है, मुझे मैक्सिमम वैल्यूज की कहां पे दिख रही है, इस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है और इसी पॉइंट पर मुझे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है। तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है और ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं आई नॉट और इसको बोलते हैं वी नॉट, और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट या पीक वोल्टेज या पीक करंट। और इसका कॉमन नेम आपको हर एक बुक में सिर्फ इतना दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीक वोल्टेज और पीक करंट। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया? अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि V इज इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो जिस तरीके से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो क्या उसी तरीके से I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई आर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि V नॉट को R से डिवाइड करेंगे तो I नॉट की वैल्यू आएगी और वो छोटी आएगी, इसका मतलब V नॉट की वैल्यू मुझे बड़ी लेनी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होगा वो पीक वैल्यू ऑफ करंट से हमेशा ज्यादा होगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट से हमेशा ज्यादा है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि ये जो मुझे कर्व दिख रहा है इस फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं? बेटा यहां पर टाइम जीरो है और यहां पर टाइम मैं ले रहा हूं टी बाई टू, और यहां पर कैपिटल टी मैं पूरा टाइम ले ले रहा हूं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जब जीरो से टी बाई टू तक चलते हैं तो इस कर्व को हम बोलते हैं हाफ साइकिल। क्या बोलते हैं? हाफ साइकिल। और पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलेंगे और डिनोट करेंगे प्लस से। और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद जब हम नीचे जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल ये वेव फंक्शन के फॉर्म है, और ये वेव फंक्शन साइन और कॉस में चलता है कुछ ऐसा, तो हम इसको प्लस का साइन और माइनस का साइन बोल सकते हैं। इस पूरे इमेज की, इस पूरे वीडियो में इस इमेज की आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये ग्राफ ही आपको पूरे अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक बता रहा है। फिर ये ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो आप जान लीजिए जब कोई भी अल्टरनेटिंग करेंट या कोई भी वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल से पूरा निगेटिव हाफ साइकिल आता है, कहने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल से निगेटिव हाफ साइकिल तक जाता है, तो इसे हम लोग कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। अब कंप्लीट साइकिल में दो साइकिल आते हैं, एक होता है हाफ साइकिल और दूसरा होता है फुल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो हाफ साइकिल और फुल साइकिल आ गया। ये कैसे हाफ साइकिल फुल साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि करंट का जो चेंज हो रहा है वो हाफ साइकिल में प्लस साइन है उसका, और हाफ साइकिल में उसका माइनस साइन है। उसी तरीके से वोल्टेज में भी उसका हाफ साइकिल में कुछ प्लस वोल्टेज है और हाफ साइकिल में माइनस वोल्टेज है। तो इतना ध्यान रखिए कि मैक्सिमम करंट, ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम करंट होता है उसे हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं या पीक करंट बोलते हैं, पीक वोल्टेज बोल सकते हैं। और समझ लीजिए आप कि जीरो से लेकर टी बाई टू तक की हाफ साइकिल हुई, और जीरो से लेकर टी बाई टू के बाद टी तक की जो कंप्लीट साइकिल हुई है वो फुल साइकिल हुई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल या तो वो करंट का हो और या तो फिर वो वोल्टेज का हो, जो कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आइए हम एक बार रिकैप करते हैं चीज़ों को कि कहाँ पर कौन सा बेसिक फिनोमेना लग रहा है। देखिएगा, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, ये ग्राफ बनाते हैं हम, और इस ग्राफ में कुछ ये बनाते हैं एक्स एक्सिस, और इस पे हम एक ग्राफ कुछ ऐसे। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल।
तो जीरो से टाइम टी तक हमारा कंप्लीट साइकिल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल बोल रहे हैं। यहां तक पूरी कंप्लीट साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल है, और इस कंप्लीट साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो हमने पीक वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने क्या कहते हैं टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड के बाद एक वर्ड और आता है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। जब एक सेकंड में, एक सेकंड में साइकिल कंप्लीट होती है, एक सेकंड में जब कोई साइकिल कंप्लीट होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड की हमेशा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका टाइम पीरियड कम होगा, और जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है जब एक सेकंड में कोई साइकिल कंप्लीट होती है, या तो वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की होगी या तो वो अल्टरनेटिंग करंट की होगी, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1/T। टी इज इक्वल टू एक रिलेशन होता है 2π/ω, जहां पर ओमेगा क्या है बच्चों, हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। तो उसी तरीके से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω/2π। ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा है, इसको आप समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है कि टाइम के हिसाब से हम ये देखते हैं, जैसे हम आपसे कहते हैं कि 12 बजे से लेकर और 6 बजे तक के बीच में टीम इंडिया का स्कोर क्या है, तो ये आपका एवरेज वैल्यू। कहने का मतलब मैच के स्टार्ट होने से और मैच के खत्म होने तक का पूरा स्कोर का अपडेट क्या है, इसको एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 12:15 बजे इंडिया का स्कोर क्या है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस है। अगर छोटे से टाइम में किसी पर्टिकुलर वैल्यू का हम मान जानना चाहें, या किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम उस चीज़ की वैल्यू जानना चाहें, तो उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। और अगर हम किसी पूरे कंप्लीट साइकिल का एवरेज, मतलब टाइम जानना चाहें या उसकी वैल्यू जानना चाहें, तो उसे हम लोग एवरेज वैल्यू। अब हम आपको एक बात बताते हैं, जीरो से लेकर टी बाई टू तक की बात करें तो यहाँ पर इसकी एवरेज वैल्यू पॉजिटिव है, और टी बाई टू से टी तक की इसकी एवरेज वैल्यू नेगेटिव है। तो मान लीजिए अगर ये आई एवरेज है और ये माइनस का आई एवरेज है, तो टोटल एवरेज आपका क्या आ रहा है, टोटल एवरेज तो आपका जीरो आ रहा है, ऐसा ऑब्वियसली सी बात है जीरो आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका प्लस आई एवरेज आ रहा है। आई एवरेज क्या है, मतलब कि एवरेज वैल्यू है, पर वैल्यू किसकी है, करंट की है या वोल्टेज की है। तो करंट एवरेज वैल्यू पर जीरो से टी बाई टू तक की इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, प्लस है, और निगेटिव हाफ साइकिल है माइनस है, तो दोनों के बीच में इसकी जो क्या कहते हैं एवरेज वैल्यू, वो क्या है, जीरो है। तो कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू होती है, कंप्लीट साइकिल में जब हम करंट को या वोल्टेज का वैल्यू जानना चाहते हैं, तो ऐसी वैल्यू को हम या तो एवरेज वैल्यू बोलते हैं, और इस एवरेज वैल्यू में क्या आता है, वैल्यू की जगह करंट आता है या वोल्टेज आता है, तो इसको हम लोग एवरेज, करंट को हम लोग आई एवरेज से डिनोट करते हैं या आई बार से डिनोट करते हैं, और एवरेज वोल्टेज को हम बी एवरेज से डिनोट करते हैं या बी बार से डिनोट करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम आपसे बात ये जानना चाहते हैं कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज में एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज जीरो है, तो फिर ऐसा क्या कंडीशन में अप्लाई करें कि इसमें आपका एवरेज वैल्यू पता चले। इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम डीसी की सहायता लेते हैं, मतलब कि डायरेक्ट करंट की सहायता, और एसी में जब एवरेज वैल्यू हमारी जीरो होती है, तो उस कंडीशन में हम एंट्री किसकी कराते हैं, डायरेक्ट करंट की एंट्री कराते हैं। और डायरेक्ट करंट की एंट्री में या तो हम बैटरी लगा सकते हैं, या तो हम कोई वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, या एमीटर लगा सकते हैं। इन दोनों केस में डायरेक्ट करंट का यूज़ होता है, और डायरेक्ट करंट में हमें करंट जो होती है वो हमारी स्टेडी होती है, कॉन्स्टेंट होती है, चेंज नहीं होता। तो उस कंडीशन के जीरो से लेके
कि किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम तक हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता लग जाता है। ठीक है, अब हम पता लगाते हैं कि एवरेज वैल्यू होती क्या है और कितनी होती है ये पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एसी मेन लगा हुआ है और इस एसी मेन में आपका करंट आपको पता करना है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अब इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पर बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगाने पर हम इसका पता करेंगे एवरेज। तो इसमें टाइम इज इक्वल टू डी टी, मतलब छोटे से टाइम डी टी पर इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना जा रहा है, डी क्यू जा रहा है, इस पर डी क्यू जा रहा है। तो इसमें करंट का रिलेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर टाइम टी बाई टू तक इसकी एवरेज वैल्यू देखेंगे। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाकर इसका समझ में पाते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना होगा और तरीका जानना होगा कैसे क्या है। तो देखिए आप पहले यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं और ये हमारा करंट का वैल्यू है, ये जीरो है टाइम और ये टी बाई टू।